स्टूडेंट्स हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास सेकेंडरी फोर्सेस आ जाती हैं जो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं, ठीक है। और ये सेकेंडरी फोर्सेस होती हैं, ये प्राइमरी फोर्सेस नहीं होती, यानी क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल के अंदर ही एग्जिस्ट नहीं कर रही बल्कि दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनके दरमियान एग्जिस्ट कर रही हैं। और ये क्या है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। और इसमें होता क्या है, इसमें एक्चुअली क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो बहुत सारी होती है ना, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है दूसरे मॉलिक्यूल के किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि नाइट्रोजन हो सकता है या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन हो सकता है या फिर हम कहते हैं फ्लोरीन हो सकता है, इनमें से किसी एक जो एटम मौजूद होता है उसके साथ सेकेंडरी बॉन्ड बना के बनाते हैं, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और ये होता है, इसको हम कहते हैं, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह देते हैं, जो कि डिफरेंट कंपाउंड्स में हमने देखा कि एग्जिस्ट करती है, जिस तरह आइस में या वाटर में भी एग्जिस्ट करती है, हमने देखा बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में भी एग्जिस्ट करती है, और अब हम देखेंगे कि पेंट्स डाइज और टेक्सटाइल मटीरियल्स में किस तरह से एग्जिस्ट करती है। अगर हम पेंट्स डाइज और टेक्सटाइल मटेरियल्स में से पेंट्स और डाइज की बात करें, तो पेंट्स और डाइज जो हमारे पास होते हैं, जो पेंट्स होते हैं वो तो हमें पता है कि जो पेंट्स किए जाते हैं वॉल पे किए जाते हैं, वाटर पेंट्स होते हैं, फैब्रिक पेंट्स होते हैं, डिफरेंट तरह के पेंट्स होते हैं, ठीक है। इसी की तरह डाइज जो होते हैं वो भी कलरिंग एजेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दोनों, ठीक है, और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इनको हम देखते हैं कि ये जो है वो इम्पार्ट डिफरेंट कलर, ठीक है, इम्पार्ट कलर। अब अगर इसमें से हम देखें डाइज को, तो ये स्टिक करते हैं क्लोथ्स के साथ, जैसे डाइज हम यूज करते हैं क्लोथ्स को कपड़े रंगने के लिए डाइज यूज करते हैं, पेंट्स हम डिफरेंट सर्विसेज पे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो इनमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से आती है, इनमें जिस तरह पेंट जो है वो किसी सर्फेस से स्टिक करेगा, ठीक है, यहां हम लिखेंगे स्टिक्स टू सर्फेस, ठीक है, सर्फेसिस। अब ये जो स्टिक करता है पेंट जो है वो डिफरेंट सर्फेसेस स्टिक करता है, इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है कि एक ये हमारे पास मॉलिक्यूल चले हम बना लेते हैं, ये हमने बनाया एक मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल आ गया। और इस तरह के क्या होगा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो मौजूद होंगे, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल। अब इनके दरमियान क्या होती है, इनके दरमियान जो है वो हमारे पास आ जाती है, सिर्फ फर्ज करें इसके ऊपर है पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, इसी तरह ये वाले में भी यही होगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो अब इनके दरमियान जो है वो कोई बॉन्डिंग होगी ना, जिस तरह ये जो अगर फर्ज करें ये हाइड्रोजन है, एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है, वो तो एग्जिस्ट करेंगी, जिस तरह यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रही है, ये एग्जिस्ट कर रही है, इसी तरह हम देखते हैं कि ये एग्जिस्ट कर रही है। तो इनके दरमियान जो हाइड्रोजन, अगर ये एक हाइड्रोजन है और ये क्या है, सॉरी पार्शियल नेगेटिव तो नहीं हो सकता हाइड्रोजन, तो हम कहते हैं कि ये पार्शियल पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, और जो दूसरा पार्शियल नेगेटिव है फर्स्ट करें वो ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, चले हम इसको नाइट्रोजन शो कर देते हैं, यहां पर हमने लिखा इसको नाइट्रोजन। तो क्या होगा, इनके दरमियान जो ये एक सेकेंडरी बॉन्ड आ रही है हाइड्रोजन बॉन्ड का, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से फर्ज करें ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको अगर हम ऐसा करते हैं कि कलर कर देते हैं कि ये हमारे पास एक कपड़ा मौजूद है, ठीक है, तो ये जो पेंट के हम देख रहे हैं कि पेंट के ये डाई के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, जो रेड कलर की हम डॉटेड लाइन्स देख रहे हैं इसके साथ बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इसके साथ इंटरेक्शन होगा, और या तो पेंट इस सरफेस के साथ, अगर ये कपड़ा नहीं है, कोई सरफेस है, चले कपड़ा भी है तो इसकी स्टिक कर जाएगा इसकी सरफेस के साथ, या फिर हम कहते हैं कि अगर ये कोई डाई है तो क्या करेगा, ये इम्पार्ट करेगा कलर, ठीक है, उसको कलर दे देगा, इम्पार्ट करेगा कलर, कलर टू फैब्रिक, ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे फैब्रिक। और फैब्रिक के अलावा हमारे पास सिंथेटिक फैब्रिक्स भी हो सकते हैं, और हम हेयर भी देख सकते हैं, ठीक है, हेयर भी हो सकते हैं या प्रोटीन फाइबर्स, चले हेयर की जगह हम क्या लिखते हैं, फैब्रिक या प्रोटीन फाइबर्स, प्रोटीन, यहाँ लिखेंगे प्रोटीन फाइबर्स, तो प्रोटीन फाइबर्स जैसे हेयर हो सकते हैं या डिफरेंट चीजें, ठीक है ना, जो कि प्रोटीन फाइबर्स से मिले, जैसे कि वूल हो गया या हेयर हो गया, तो इनके जो फाइबर्स होते हैं उनको पेंट करने, उनको कलर इम्पार्ट करने के लिए, और या फिर फैब्रिक को कलर इम्पार्ट करने के लिए हमने देखा डाइज यूज होते हैं, और डाइज का भी हमने ये एक इसका प्रिंसिपल देख लिया कि क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये स्टिक करते हैं। और अगर टेक्सटाइल की बात करें, जैसे टेक्सटाइल में डिफरेंट अब हमारे पास मटीरियल्स आ जाते हैं ना,
फॉर एग्जाम्पल कुछ हमारे पास सिंथेटिक होते हैं, जैसे कि नायलॉन हमने नाम सुना, तो ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह पोलिएस्टर अगर हम बात करें तो पोलिएस्टर क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। और अगर हम बात करें डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल कॉटन की बात कर लेते हैं, ठीक है, कॉटन हमारे पास नेचुरल होता है, ठीक है, कॉटन के हमारे पास कपास के खेत जिस तरह से होते हैं, तो हम देखते हैं कॉटन नेचुरल आ गया। और इसी तरह हमारे पास होते हैं एनिमल स्किन से जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनी हुई होती हैं, ठीक है, थीके? तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, टेक्सटाइल मटीरियल्स जो होती हैं, इनको इनकी हम देखते हैं कि इनमें इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो किससे पे डिपेंड करती है, इनके अंदर भी हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, इनके अंदर इनके जो थ्रेड होता है या जो इनका फाइबर होता है ना, फाइबर के अंदर भी इटसेल्फ, अभी तो हमने ये देखा ना कि पेंट्स और डाइज जो हैं वो सरफेस पे स्टिक कर रहे हैं या कलर इम्पार्ट कर रहे हैं, तो वो किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हमने देखा था। लेकिन अगर हम देखें तो टेक्सटाइल के जो फाइबर्स हैं उनमें भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, राइट। तो हम देखते हैं कि फाइबर्स जो हैं इनमें इट्सेल्फ भी क्या आ जाते हैं, इनके अंदर भी जो है वो क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इनको क्या मिलती है, इनको स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। यहाँ हम मेंशन करते हैं कि क्या होता है, इनको भी इसकी वजह से स्ट्रेंथ मिलती है, हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी मिलती है, ठीक है, इलास्टिसिटी भी लिख देते हैं हम यहाँ पे। ये किसकी बदौलत होते हैं, इनकी अंदर जो मौजूद होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेंट्स में जो कि स्टिक कर जाते हैं सर्फेसिस और उसको क्या देते हैं, एज अ रिजल्ट कलर देते हैं, तो उनमें वो किस तरह से स्टिक करते हैं सर्फेसिस से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इसी तरह जो डाइज होते हैं वो इम्पार्ट करते हैं कलर फैब्रिक को, प्रोटीन फाइबर्स को, तो वो किस तरह से करते हैं, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो टेक्सटाइल डिफरेंट टेक्सटाइल होते हैं, नायलॉन हो गया, कॉटन हो गया, बेशक वो सिंथेटिक हो बेशक वो नेचुरल हो, तो उनमें जो स्ट्रेंथ होती है, इलास्टिसिटी होती है, वो किस वजह से होती है, उनमें रिजिडिटी होती है, ठीक है, उनमें स्ट्रेंथ होती है, तो वो किस वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि फाइबर्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और इसी तरह हम कहते हैं जी ग्लू होती है, ग्लू होती है, या हम देखते हैं हनी है, ठीक है, तो ये स्टिकी होते हैं ना। अब ये स्टिकी क्यों होते हैं, ये स्टिकी होते हैं यानी कि चिपचिपे से होते हैं, ठीक है, ये भी चिपक रहे होते हैं। अब जिस तरह से पेंट है वो स्टिक कर रहा है सरफेस से, इसी तरह ग्लू और हनी भी स्टिकी होते हैं, ठीक है, थीके? तो क्या होता है कि ये, लेकिन ये डिफरेंट मटेरियल हो गए, ये पेंट की तरह तो नहीं होते, ठीक है, थीके? लेकिन ये हम देखते हैं कि ये रिजिड, सॉरी ये क्या होते हैं, थोड़े से थिक थिक से भी होते हैं और स्टिकी भी होते हैं, यानी कि हम कहते हैं इनको कि थोड़े थिक होते हैं, तो ये किस वजह से होते हैं, ये भी इनके भी इस एट्रीब्यूट की वजह क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और इस तरह से हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक और एप्लीकेशन देखी, किसमें, पेंट्स में, डाइज में और टेक्सटाइल मटेरियल्स में।